अगली खबर का रुख करें जहां पर 27 मार्च से बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू होने जा रहा है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी अभियान का शंखनाद करने वाले हैं। मथुरा से बीजेपी का पहला प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। एक क्षेत्र में 3 सम्मेलन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी ने पूरा चुनावी अभियान का प्लान तैयार कर लिया है। 5 दिन में 15 लोकसभाओं में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए 5 दिन में कुल मिलाकर 15 लोकसभा क्षेत्रों में दौरा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, और ये ताबड़तोड़ दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के फाइनल किए गए। 27 मार्च से बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू होने वाला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभियान का शंखनाथ करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। मथुरा से बीजेपी का पहला प्रबुद्ध सम्मेलन होने जा रहा है और बीजेपी ने बाकायदा चुनावी अभियान का पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। 5 दिन में 15 लोकसभा क्षेत्रों में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और यहां पर वो अपने बीते कार्यकाल का जिक्र भी करेंगे, साथ ही साथ आने वाली चुनौतियों को लेकर क्या सरकार की तैयारी है उसको भी वो सामने रखेंगे। आगे रुक करते हुए एक और बड़ी जानकारी की तरफ आपको बताएं, दरअसल विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी हो चुकी है। 3 विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित समाजवादी पार्टी ने कर दी है। दुधी से आपको बताएं जहां पर विजय सिंह गोंडा को टिकट मिला है, और गैसडी से राकेश यादव को टिकट दिया गया है, तो ददरौल से अवधेश वर्मा को टिकट दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी ने इन 3 कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की 3 प्रत्याशियों वाली सूची जारी कर दी गई है। 3 विधानसभा सीट के लिए चूंकि बाय इलेक्शन होने हैं, यहां पर उपचुनाव होगा। दुधी से विजय सिंह गोंड को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए आरएलडी का चुनावी अभियान, जयंत चौधरी के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। 28 मार्च को अमरोहा और बिजनौर में वो जनसभा करेंगे, तो जबकि कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे जयंत चौधरी। तो आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव को लेकर खासा तैयार नजर आ रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर चुनावी अभियान को धार देते हुए लोकसभा चुनाव को मद्देनजर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी नजर आने वाले हैं। 28 मार्च को अमरोहा और बिजनौर में जनसभा बाकायदा जयंत चौधरी की रहेगी। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए जयंत चौधरी नजर आएंगे।